हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सलीम खान। चलिए देखिए, आज हम बात करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश के बारे में। देखिए, स्पोकन इंग्लिश की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके की समस्याएं आती हैं, और इन लोगों को हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। देखिए, सबसे पहले वह लोग होते हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है। दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जिनको इंग्लिश समझ में तो आती है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। और तीसरे तरह के लोग वो होते हैं जिनको इंग्लिश अच्छी तरीके से आती है और बोल भी पाते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं आ पाता इंग्लिश को बोलते समय। देखिए, जब हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस कब नहीं आता है? देखिए, जब हम सेंटेंस बोलते हैं और अगर उस सेंटेंस को लेकर हमारे दिमाग में अगर जरा सा भी डाउट है, अगर 1% भी अगर डाउट है, तो वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं आ पाएगा। यानी कि वो सेंटेंस उतने अच्छे तरीके से, इतने इफेक्टिव तरीके से हमारे सामने नहीं आ पाएगा जिस तरीके से हम उसको बोलना चाहते हैं। देखिए, अगर आप गौर करें कि किस टाइप के सेंटेंसेस हम हिंदी में अधिकतर बोलते हैं दिन भर में, तो आप पाएंगे हम बोलते हैं जैसे, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम कोचिंग जा रहे हो, क्या तुम बाजार जा रहे हो, क्या तुम यहाँ आ रहे हो, क्या तुम घर आ रहे हो, क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम खाना बना रहे हो, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो, क्या तुम इंग्लिश पढ़ा रहे हो, क्या तुम डर रहे हो, क्या तुम सोच रहे हो, क्या तुम समझ रहे हो, क्या तुम लिख रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, इस टाइप के सेंटेंसेस अधिकतर हम बोलते हैं हिंदी में। अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बदलना चाहें तो हम कैसे बदलेंगे? चलिए, ये एक सेंटेंस लेते हैं हम, क्या तुम खाना खा रहे हो। अगर हम इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखिए, पहली चीज तो ये वाला जो सेंटेंस हम देख रहे हैं या जो पिछले सेंटेंस अभी हमने देखे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। तो इसकी जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो इसमें हम यूज करते हैं सबसे पहले इज, आर और एम का। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है इस टाइप का सेंटेंस बनाने में। और प्लस इसके साथ हम यूज करते हैं वर्ब की चौथी फॉर्म का। वर्ब की चौथी फॉर्म यानी कि जो आईएनजी वाली वर्ब होती है हमारी, उसका प्रयोग हम करते हैं। अब ये जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, अगर इसकी हमें इंग्लिश बनाना पड़े तो हम कैसे बनाएंगे? देखिए, बहुत सिंपल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई तुमकी इंग्लिश क्या होती है, तो तीसरी क्लास का बच्चा भी, नर्सरी का बच्चा भी बता देगा भाई कि तुमकी इंग्लिश क्या होती है। तो तुमकी इंग्लिश हो जाएगी हमारी यू। क्या हो जाएगी? यू। और एक चीज याद रखे इंग्लिश में इस टाइप के सेंटेंसेस में, कि जब भी इस टाइप के सेंटेंसेस की हिंदी अगर क्या से स्टार्ट होगी, किससे स्टार्ट होगी, क्या से स्टार्ट होगी, तो उसमें हमेशा हम स्टार्टिंग में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम क्या देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? व्हाट। समझ में आ रही बात? वो अलग कॉन्सेप्ट है। जब मैं क्लास लूंगा वर्ड की, तब मैं बताऊंगा वर्ड का यूज कब करते हैं। अभी हमको याद रखना है कि ये जो सेंटेंस जितने भी मैंने अभी आपको बताए, अगर उसकी हिंदी क्या से स्टार्ट हो रही है, किससे स्टार्ट हो रही है, क्या से, तो वहां पर हम हमेशा इज आर एम का उपयोग करेंगे स्टार्टिंग में। ठीक, तो यहां पर हम देखें क्या लग रहा है हमारा यू। अगर मैं पूछूं आपसे यू के साथ क्या आएगा, एम आएगा क्या, तो आप बोलोगे नहीं आएगा, बोलेंगे ना कॉन्फिडेंस के साथ। अगर मैं पूछूं क्या यू के साथ इज आएगा क्या, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं सर, यू के साथ इज भी नहीं आएगा। तो फिर यू के साथ क्या आएगा? जाहिर सी बात है, बचपन से ही हमने सीखा हुआ है कि यू के साथ आता है आर। इसमें कोई समस्या नहीं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलोगे सर इसमें आर आएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? आर यू। ठीक, अब खाना खाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? देखिए, वैसे तो जनरली कई लोग ईट का यूज करते थे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ईट का यूज नहीं करते खाना खाने के लिए, हम यूज करते हैं टेक का। तो क्या तुम खाना खा रहे हो, तो खाने के लिए हमने लगाया टेकिंग। ये आईएनजी लगाई हमने। आईएनजी क्यों लगाई? क्योंकि वर्ब की चौथी फॉर्म आएगी इसमें, है ना, टेकिंग। और खाने के लिए आ गया हमारा फूड। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? आर यू टेकिंग फूड, क्या तुम खाना खा रहे हो। इसी सेंटेंस को आप चाहें तो थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, जैसे हमें बोलना हो क्या तुम दोस्तों के साथ खाना खा रहे हो, तो दोस्तों के साथ, के साथ के लिए क्या आएगा? सबको पता है के साथ के लिए आता है हमारा विद। और दोस्तों को हम क्या बोलते हैं? दोस्तों को हम बोलते हैं फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं? फ्रेंड्स। अब क्या हमारा सेंटेंस हमारा देखो, आर यू टेकिंग फूड विद फ्रेंड्स, यानी कि क्या तुम दोस्तों के साथ खाना खा रहे हो। समझ रही बात? इसी में हम और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि हमें बोलना हो क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो, तो सीखने के लिए क्या आता है? सीखने के लिए आएगा हमारा लर्निंग। ठीक, तो आर यू लर्निंग इंग्लिश, ये हो गया हमारा सेंटेंस, मतलब क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो। इसी को आप आगे बढ़ा दो, जैसे कि क्या तुम इंदौर में इंग्लिश सीख रहे हो, तो इंदौर में, मे के लिए क्या आएगा हमारा? इन, और इंदौर के लिए इंदौरी आएगा। सेंटेंस क्या हो गया हमारा? आर यू लर्निंग इंग्लिश इन इंदौर, क्या तुम इंदौर में इंग्लिश सीख रहे हो। और अगर आपको बोलना हो क्या तुम इंग्लिश बोल रहे हो, तो इंग्लिश बोलने के लिए क्या आता है? तो बोलने के लिए आता है हमारा स्पीक। ठीक, इसमें लगा देंगे हम आईएनजी,
तो क्या हो जाएगा स्पीकिंग, और इंग्लिश के लिए क्या आएगा, इंग्लिश के लिए आएगा हमारा इंग्लिश ही, ठीक। तो आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल रहे हो, और हमें बोलना हो क्या तुम बिना डर के इंग्लिश बोल रहे हो, तो बिना डर के इंग्लिश बोलना, तो के बिना के लिए क्या आएगा, के बिना के लिए आएगा हमारा विदाउट। और डर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सब जानते डर को बोलते हैं हम फियर। तो सेंटेंस क्या हो गया हमारा, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश विदाउट फियर, यानी कि क्या तुम बिना डर के इंग्लिश बोल रहे हो, ठीक। अब जैसे यहाँ पर हमारा यू दिखा रहा है, इसमें आप चेंज कर दो तो और तरह के सेंटेंस बन जाएंगे। जैसे यू की जगह आप लगा दो वी, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस हमारा, आर वी टेकिंग फूड विथ फ्रेंड्स, यानी कि क्या हम खाना खा रहे हैं दोस्तों के साथ। और बोले आर वी लर्निंग इंग्लिश इन इंदौर, क्या हो जाएगा, क्या हम इंग्लिश सीख रहे हैं इंदौर में। और हम बोले आर वी स्पीकिंग इंग्लिश विदाउट फियर, क्या हम बिना डर के इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक। वी के जगह लगा दो आप दे, दे मतलब क्या होता है, दे मतलब होता है वे। अब सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, आर दे टेकिंग फूड विथ फ्रेंड्स, यानी कि क्या वे खाना खा रहे हैं दोस्तों के साथ। और बोल देंगे आर दे लर्निंग इंग्लिश इन इंदौर, क्या वे इंग्लिश सीख रहे हैं इंदौर में। आर दे स्पीकिंग इंग्लिश विदाउट फियर, क्या वो बिना डर के इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक। देख जगह आप चाहें तो कोई बहुवचन वाला अपन जो शब्द है वो लगा सकते हैं, जैसे मान लो हमने लगा दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। सेंटेंस क्या बनेगा, आर स्टूडेंट्स टेकिंग फूड विद फ्रेंड्स, यानी कि क्या स्टूडेंट्स खाना खा रहे हैं दोस्तों के साथ, ठीक। और अगर हेल्पिंग वर्ब और बाकी की जो है बोर भी लगा के देख लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए इज लगा लो अपन, इसका उपयोग कर लो, यहाँ पर हमने इज लगाया, और इसके साथ और क्या आता है सी, और जो सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं वो हम इसके साथ यूज करते हैं, जैसे यहाँ लगा लो अपन राजू। अब सेंटेंस क्या बनेगा, इज ही टेकिंग फूड विद फ्रेंड्स, क्या वह दोस्तों के साथ खाना खा रहा है। इज शी टेकिंग फूड विद फ्रेंड्स, क्या वो दोस्तों के साथ खाना खा रही है। और इज राजू टेकिंग फूड विद फ्रेंड्स, क्या राजू दोस्तों के साथ खाना खा रहा है, ठीक। और एक और क्या बचा हमारा, एम, एम लगा के देख लो, आई से क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये एम लगाया हमने आगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या पहले आ रहा है, और यहाँ लगा देंगे अपन आई। अब सेंटेंस क्या बनेगा, एम आई टेकिंग फूड विथ फ्रेंड्स, क्या मैं खाना खा रहा हूँ दोस्तों के साथ। एम आई लर्निंग इंग्लिश इन इंदौर, क्या मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ इंदौर में। एम आई स्पीकिंग इंग्लिश विदाउट फियर, क्या मैं बिना डर के इंग्लिश बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चंस की तो हमने बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं आंसर्स की, कि इसके आंसर हमको कैसे देना है। देखिए जैसे हमें बोल रहा हूँ मैं खाना खा रहा हूँ, अब यहाँ पर हम देखें कि हिंदी किससे स्टार्ट हो रही है, मैं से, तो मैं के लिए क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आई, और आई के साथ हम क्या लगाएंगे, आई के साथ लगाएंगे हम एम, ठीक। देखिए एम अब हमने कब लगाया, बीच में। एम को हम आगे कब लगाएंगे, जब हिंदी काय से स्टार्ट हो रही होगी, क्या से, ठीक। तो आई एम, और खाना खाने के लिए हो जाएगा टेकिंग फूड, तो मैं खाना खा रहा हूँ तो आई एम टेकिंग फूड, और मैं अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा हूँ तो आई एम टेकिंग फूड विद फ्रेंड्स। और हमें बोलना हो कि मैं इंदौर में इंग्लिश सीख रहा हूँ तो आई एम लर्निंग इंग्लिश इन इंदौर, मैं इंदौर में इंग्लिश सीख रहा हूँ। और हमें बोलना हो कि मैं बिना डर के इंग्लिश बोल रहा हूँ तो हम क्या बोलेंगे, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश विदाउट फियर, ठीक। और भी हम इसमें चेंज कर देते हैं, जैसे हम कर लेते हैं यू से, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, सबसे पहले लगाया हमने यहाँ पर यू, यू के साथ क्या लगाएंगे आर, ठीक है। सेंटेंस क्या बनेगा, यू आर टेकिंग फूड विथ फ्रेंड्स, यानी कि तुम दोस्तों के साथ खाना खा रहे हो। और यू आर लर्निंग इंग्लिश इन इंदौर, तुम इंदौर में इंग्लिश सीख रहे हो। और यू आर स्पीकिंग इंग्लिश विदाउट फियर, तुम बिना डर के इंग्लिश बोल रहे हो, ठीक। और यू की जगह हम चेंज कर देंगे, यहाँ लगा दिए, जैसे मान लो हमने वी, तो वी आर टेकिंग फूड विथ फ्रेंड्स, हम दोस्तों के साथ खाना खा रहे हैं। वी की जगह लगा दें हम दे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, दे आर टेकिंग फूड विद फ्रेंड्स, वे दोस्तों के साथ खाना खा रहे हैं। और कोई जो बहुवचन वाला जो सब्जेक्ट है हमारा वो लगा दें, जैसे हम लगा दें यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा, सेंटेंस बन जाएगा स्टूडेंट्स आर टेकिंग फूड विद फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स हैं वो दोस्तों के साथ खाना खा रहे हैं। दूसरी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम देख लेते हैं, जैसे अगली हेल्पिंग वर्ब हम ले लेते हैं इज, तो इसके साथ हम लगा देते हैं ही, सेंटेंस क्या बनेगा अपना, ही इज, तो क्या बोलेंगे, ही इज टेकिंग फूड विद फ्रेंड्स, वो दोस्तों के साथ खाना खा रहा है। और ये लगा दिया अपन ने शी, अब सेंटेंस क्या हो जाएगा, सी इज
टेकिंग फूड विद फ्रेंड्स, वो दोस्तों के साथ खाना खा रही है। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा हम वो लगा देंगे, जैसे मान लिया हमने लगा दिया राजू, सेंटेंस क्या बन जाएगा, राजू इज टेकिंग फूड विद फ्रेंड्स, जो राजू है वो दोस्तों के साथ खाना खा रहा है। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं, जैसे हमें बोलना हो कि भाई पर्सन ये काम नहीं कर रहा है या व्यक्ति ये काम नहीं कर रहा है, जैसे हम बोले मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो मैं के लिए क्या आएगा, मैं के लिए आएगा हमारा आई, आई के साथ हम क्या लगाएंगे एम, और नहीं के लिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, नहीं के लिए हम लगा देंगे यहाँ पर नॉट। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा, आई एम नॉट टेकिंग फूड विद फ्रेंड्स, यानी कि मैं दोस्तों के साथ खाना नहीं खा रहा हूँ, और आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश इन इंदौर, मैं इंदौर में इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ, और आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश विदाउट फियर, और मैं बिना डर के इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, और हम इसमें चेंज कर सकते हैं, जैसे आगे हमने लगा दिया यू आर, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, यू आर नॉट टेकिंग फूड विद फ्रेंड्स, तुम दोस्तों के साथ खाना नहीं खा रहे हो, यू की जगह हम चेंज कर देंगे वी, सेंटेंस क्या हो जाएगा, वी आर नॉट टेकिंग फूड विद फ्रेंड्स, यानी कि हम दोस्तों के साथ खाना नहीं खा रहे हैं, वी की जगह हम लगा देंगे दे, क्या बन जाएगा हमारा सेंटेंस, दे आर नॉट टेकिंग फूड विद फ्रेंड्स, वो दोस्तों के साथ खाना नहीं खा रहे हैं। और कोई प्लूलर वाला हम सब्जेक्ट लगा देंगे, जैसे लगा दिया हमने वही वापस स्टूडेंट्स, क्या बन जाएगा हमारा सेंटेंस, अब स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग फूड विद फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स हैं वो दोस्तों के साथ खाना नहीं खा रहे हैं। ठीक है, और अब इज वाला ले लेते हैं हम, इज वाला ले लिया हमने ही इज, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस हमारा, ही इज नॉट टेकिंग फूड विद फ्रेंड्स, वो दोस्तों के साथ खाना नहीं खा रहा है, और सी लगा दिया हमने, तो सी इज नॉट टेकिंग फूड विद फ्रेंड्स, वो दोस्तों के साथ खाना नहीं खा रही है, और राजू लगा देंगे, राजू इज नॉट टेकिंग फूड विद फ्रेंड्स, जो राजू है वो दोस्तों के साथ खाना नहीं खा रहा है। तो इस तरीके से हम इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये तीन सेंटेंसेस मैं आपको बनाने के लिए दे रहा हूँ, इसकी हिंदी मैंने दी है, अब इसकी इंग्लिश आप कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।